अब तक टोटल जो डेथ रिपोर्ट हुई हैं वह 17 हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 75 नए मामले और 4 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। कोविड से जितनी भी डेथ रिपोर्ट हुई हैं उनमें मुख्य रूप से जितने पेशेंट थे उनको या तो मधुमेह या हार्ट डिजीज या हाइपरटेंशन के लक्षण भी थे। इन सभी मामलों में मुख्यतः हमारे एल्डरली पेशेंट थे जिनमें दूसरी बीमारी के लक्षण जैसे कि मैंने आपको बताया था वो भी थे। आप सबको अवगत है कि पिछले कुछ समय से सरकार इन स्थिति से निपटने के लिए बड़े प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव अप्रोच के तहत कार्य कर रही है और प्रेजेंटली ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ट्रांसमिशन के इस प्रोसेस को तोड़ने के लिए हम सभी राज्यों के साथ मिलकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को 100% इफेक्टिवली लागू करें। इसी संदर्भ में कल माननीय हेल्थ मंत्री जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी सभी स्टेट के हेल्थ मंत्रियों के साथ, सभी स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ और उनसे अनुरोध किया था कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी रूप से हर स्टेट में, हर जिले में लागू किया जाए। उन्होंने राज्य से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में नागरिकों को किसी भी तरह की दिक्कत ना का सामना ना करना पड़े। राज्यों से डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं उनको अपनी सर्विसेज के लिए अटेंड करने के लिए जो यात्रा व्यवस्था है उसके भी सभी जो उनको सपोर्ट है उसको स्टेट में प्रोवाइड किया जाए वो भी रिक्वेस्ट की गई थी। मुख्यतः उन्होंने सभी राज्यों से कोविड 19 से निपटने के लिए आइसोलेशन बेड्स, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स फॉर कोविड 19 और लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट जैसे कि PPEs और N95 मास्क की सप्लाई को भी फॉलोअप करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। राज्यों में इस तरह की किसी लॉजिस्टिक्स की कमी ना हो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल लेवल पर एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है और इस टास्क फोर्स में सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सचिव फार्मा, सचिव टेक्सटाइल्स, उपभोक्ता मामले, जहाज रानी, रेलवे बोर्ड और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही वेंटिलेटर्स की जो एक कमी स्टेट में, कंट्री में महसूस की गई थी उसके हिसाब से उसको अपग्रेड करने के लिए हमारे एक PSU को हमने 10,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से भी 1 से 2 महीने के अंतर्गत 30,000 एडिशनल वेंटिलेटर खरीदने का अनुरोध किया गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सरकार देश में वेंटिलेटर्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी रिक्वायर्ड कार्य कर रही है। इसके साथ ही 25 मार्च को टेलीमेडिसिन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश और इनके द्वारा लॉकडाउन की अवधि में स्वास्थ्य सेवा का डिसेमिनेशन, अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसके लिए डायरेक्शन इशू की गई हैं। मैं आप सबकी नॉलेज में लाना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रपति जी ने भी आज देश के सभी गवर्नरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और साथ ही जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी है उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड 19 के ऊपर, उसको कंट्रोल करने के ऊपर और उसके साथ उसमें कैसे मिलकर हमें काम करना है उसके लिए भी एक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। साथ ही भविष्य में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और एडिशनल स्टेप्स क्या लेने चाहिए इसके लिए भी एक नेशनल टास्क फोर्स जो हमारी बनी हुई है उसकी भी आज एक विस्तृत चर्चा, उसकी भी एक डिटेल्ड बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फील्ड फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड 19 से निपटने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए उसके ओरिएंटेशन के लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ANMs, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ओरिएंट करने के लिए एक नेशनल लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स उसको ऑर्गेनाइज किया है। अब हम अभी बात कर रहे हैं उस समय ये ट्रेनिंग चल रही है। इसके साथ ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली उसके तहत भी एक वेबिनार के थ्रू देश के डॉक्टर्स को क्लिनिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग आज दी गई है। इसी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सीरीज के रूप में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हम देश के
गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले डॉक्टर्स को क्लिनिकल मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज पर ओरिएंट कर सकें। आप सबको अवगत है कि सरकार ने हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 50 लाख रुपए बीमे का कवर की घोषणा भी की है, जिसमें सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज, नर्सेज, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो इस कार्य से डील कर रहे हैं, उन सबको लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इससे फायदा होगा। कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कोविड-19 के रोगियों का इलाज करते हुए किसी भी तरह की दुर्घटना अगर उनके साथ पेश आती है तो इस योजना के तहत उनको 50 लाख रुपए एज इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, वेलनेस सेंटर और केंद्र के अस्पतालों के साथ साथ राज्य के अस्पतालों में भी यह योजना लागू होगी। यह बीमा योजना कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत 1.7 लाख करोड़ का एक पैकेज जो कल घोषित किया गया, उसके तहत की जाएगी। इसके साथ ही हमारे द्वारा की गई अपील के तहत मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि करीब 1.4 लाख कंपनीज जो हैं, उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको घर से काम करने की, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। साथ ही वर्चुअल ऑनलाइन जो G20 समिट कल हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दूसरे देशों को संबोधित करते हुए सभी सदस्य देशों से भी अपील की है कि वो इस महामारी के संकट से लड़ने के लिए मानव को केंद्र बिंदु के रूप में समझते हुए किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो, या हो तो कम से कम हो, और ट्रेड डिसरप्शन को कम हो, उसके साथ साथ मिलकर कैसे हम G20 के देश मिलकर काम कर सकते हैं, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। इस समय पर जब पूरे देश का में लॉकडाउन चल रहा है, मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि हर नागरिक हमें अपना सपोर्ट दे, वो घर पर रहें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। यह लड़ाई, जैसे कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ, यह लड़ाई समस्त समाज और संपूर्ण सरकार के द्वारा मिलकर करे जाने वाली लड़ाई है, और इसमें सभी का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि जैसे अब तक हमें समर्थन मिलता रहा है, उसी तरीके से हम इस लड़ाई को हर तरीके से सक्षम होकर मैनेज कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं गृह मंत्रालय के प्रवक्ता से कि वो अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने शेयर करें। गृह मंत्रालय निरंतर स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर लॉकडाउन के एनफोर्समेंट को मॉनिटर कर रहा है। जैसा कि आपको पता है, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को जारी रखना है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने कार्गो मूवमेंट को अलाउ कर दिया है। ये इंस्ट्रक्शन स्टेट्स और यूटीज को रिएटरेट किए जा रहे हैं कि कार्गो मूवमेंट को वो इंश्योर करें। कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों का मूवमेंट ना हो, और इसी श्रृंखला में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं और जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उनका जो लार्ज स्केल मूवमेंट चल रहा है, इसके बारे में होम सेक्रेटरी ने आज स्टेट्स और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज और DGPs को पत्र लिखकर फिर से निर्देश दिया है कि वे इस पर ध्यान दें। स्टेट्स और यूटीज को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वे माइग्रेंट लेबरर्स के फूड और शेल्टर का इंतजाम करें। शेल्टर के लिए ऐसा स्थान ढूंढें जहां वाटर, सैनिटेशन, फूड की व्यवस्था हो सके। फूड पैकेट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए और इन फैसिलिटीज को सुनिश्चित करने के लिए वे NGOs, CSR इत्यादि का भी सहयोग ले सकते हैं। जो सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत फ्री फूड ग्रेन्स का डिसीशन लिया है और एसेंशियल आइटम्स के डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीशन लिया है, उसको वो स्ट्रीमलाइंड वे में सुनिश्चित करें। होम सेक्रेटरी ने अपने पत्र में सभी स्टेट्स और यूटीज को फिर से ये भी कहा है कि स्टूडेंट्स और वर्किंग वुमेन हॉस्टल के जो इनमेट्स हैं उनका ध्यान दें। होटल्स, रेंटेड अकोमोडेशन इत्यादि को ओपन और फंक्शनल रखें, परंतु सभी कोविड-19 से संबंधित जो एहतियात हैं उनको भी बरतें। आज गृह मंत्री जी ने भी कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ स्थिति का जायजा लिया है और समस्याओं का निदान करने के लिए अनुरोध किया है।
अभी होम सेक्रेटरी ने इन मुद्दों पर डीजीपीज के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग की, उन सबसे ये रिक्वेस्ट किया कि ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं ये फील्ड लेवल तक कटिंग एज तक परकुलेट करें। हमारा उद्देश्य ये है कि प्रॉपर एनफोर्समेंट मेजर्स के साथ एम्प्लॉयर्स को उचित निर्देश देकर फूड और शेल्टर की व्यवस्था करके एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का इंतजाम करके हम ये सारे इश्यूज एड्रेस कर पाएं। धन्यवाद। वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। 51 प्लीज यूज माइक। See, as far as PPEs are concerned, as you are aware, earlier, since the cloth was primarily imported, there was some issues, some bottlenecks in terms of their availability. Similarly, there were issues also related with respect to N95 masks because of the imported component. Government is aware of the issue. As I had briefed earlier, 31st January itself, we actually prohibited their export. We had also revised our guidelines based on the COVID-19 virus, and based on that, what type of material available in country would be sufficient in terms of managing these cases. Again, you know, interministerial effort has been going on to ensure that we can develop indigenous manufacturers who can prepare and give us PPEs. Those efforts are also now leading some good results, and I am hopeful that, you know, we will be able to manage the situation. Similarly, with respect to N95 masks also, we have been in touch with various buyers whom we have identified across the country. We are also coordinating with states in terms of ensuring that based on their demand, whatever support and facilitation needed to be done at the Government of India level, we are able to provide it to them. 156. मैं अशोक हूं और मेरा सवाल मैम से है कि जैसे कि प्राइवेट एयरलाइंस ने भी ये ऑफर किए हैं कि जो माइग्रेंट्स अलग-अलग राज्यों से जा रहे हैं, महानगरों से कहीं अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर सरकार इजाज़त दे तो उनको हम अपने एयरलाइंस के थ्रू करेंगे। इंडिगो, स्पाइस एंड गो, ये तीन एयरलाइंस सामने आए हैं और ये अपील की है। क्या आने वाले टाइम में ये इनकी इजाज़त सरकार की तरफ से मिलेगी? जैसा आपको पता है, लॉकडाउन का मेन उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति जहाँ है वहीं रहे। मैंने पहले भी कहा कि हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति जहाँ वहीं रहे, वहीं उसको हम सुरक्षित और सुचारू रूप से सेफ रख सकें। तो मेरे ख्याल से हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। अभी हम ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेते हैं। द कैबिनेट सेक्रेटरी हैज फ्लैग्ड गैप्स इन द सर्विलेंस ऑफ ट्रैवलर हु केम बैक टू इंडिया प्रायर टू मार्च 5 व्हेन द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग बिगेन। How many such people are yet to be identified? There is a similar question. There is a possibility that there may be gaps in number of persons coming from abroad and number of persons being monitored. How to ensure that all persons are monitored properly? So what Cabinet Secretary has written the letter to the Chief Secretary, which is being mentioned, it is a letter which is part of our routine communication with states, wherein we have requested that while we commend that they have done excellent good work so far, also in terms of monitoring all the passengers, we have effectively requested them that kindly continue with that same pace, continue that same momentum, and ensure that all international passengers, the list of which it has been given by the Bureau of Immigration, they also should be monitored till the logical end in terms of our incubation period of 14 days and 28 days in terms of the overall monitoring. This is part of our regular communication with the states to ensure that collectively states and Government of India work together to ensure that no cases are found and we are able to monitor all the international passengers. 41. Yes, sir. कितने राज्यों ने डेडिकेटेड कोविड-19 के लिए अलग से अस्पताल बनाए और कितनी बेड कैपेसिटी है सबकी? देखिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम स्टेट्स के साथ एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन अप्रोच से काम कर रहे हैं। जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है,
उसी हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स का रेस्पॉन्स बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कल मैंने आपकी नॉलेज में लाया था कि 17 स्टेट्स में ऑलरेडी COVID-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल या ब्लॉक्स बनाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और उसी के तहत ही जब हम अभी बात कर रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में सारे स्टेट के MD NHMs और गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ एक और डिटेल डिस्कशन वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है कि जो जिन स्टेट्स ने अब तक आइडेंटिफाई कर लिया है उसको वो कैसे इक्विप करें, और एडिशनल स्टेट्स कैसे और एडिशनल ब्लॉक्स और एडिशनल हॉस्पिटल्स को उस कोविड डेडिकेटेड 19 हॉस्पिटल के रूप में तैयार कर सकें। ये एक ऑनगोइंग एफर्ट है, और इसका एक ही जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट स्टेट शुड हैव सफिशिएंट कैपेसिटी एज एंड व्हेन केसेस कम। ऑनलाइन क्वेश्चन, ऑन अकाउंट ऑफ OPDs बीइंग क्लोज्ड, इज देयर एन अल्टरनेटिव सजेशन टू द पेशेंट्स हु माइट स्टिल रिक्वायर केयर? व्हाट कैन दे डू इफ दे रियली स्टिल नीड टू सी अ डॉक्टर? What is the protocol in such cases? So there is a very positive news I brought to your knowledge just now. We have already issued national telemedicine guidelines. This facilitates the process wherein doctors sitting at their home can provide services to the patient, and we would really urge and request all citizens to kindly take advantage of it, all doctors also to utilize this as an opportunity to provide services to the community. 21. From the week, my question is to Dr. Ganga Khedkar. Dr. Ganga Khedkar, now that NIV has isolated the virus, where do we stand on research on the vaccine and drugs? The global race for drugs and vaccines is on. Where is India in that race? We have prioritized. No? One needs to prioritize. You have finite resources, you have finite manpower. So you need to prioritize what you would like to do right now. One thing which we have prioritized is ICMR will try to look at repurposed molecules, go for their ex vivo or in vitro testing on the isolates that we have already generated, so that we get a clearer clue whether the drug works in the laboratory against this particular strain, and if the drug works, then we can take it up for subsequent trials. The initial priority in developing drugs is more towards repurposed molecules than new molecules, because new molecule research tends to take far longer a time, and we don't have so much of time when we are facing this particular infection. When it comes to vaccine, what we have done is we have asked DBT to undertake the vaccine development program well, because we don't have that kind of capacity which DBT has. It's also another sister ministry that we have. So DBT will try to look at this particular issue. At the same time, we are also keeping a watch on some of the scientific groups that are working on vaccines. Currently, there are altogether 30 different vaccine groups which are working on developing vaccine, of which at least 5 are already going to animal research, animal toxicity studies. What we have done is we have indicated our willingness to go for vaccine trials if they become ready, if they pass out animal study for our own Indian population. In order to look at the newer drugs that might come, we are also likely to start our participation soon in solidarity trial that WHO is starting. Earlier, we did not do it because our numbers were so small that our contribution would have looked minuscule and it would not have looked proper. So that way, we are using this base pretty strongly. At the same time, we are making an effort to develop indigenous diagnostics. You must be aware that National Institute of Virology develops indigenous diagnostics, and so far as these diagnostics are concerned, for dengue, for chikungunya, for many such diseases, we are main suppliers to the government National Vector-Borne Diseases Program, which we do free of cost. So we are also trying to run on the same course. If it is required,
And if we develop one, we will support the national program that way. 14. मेरे दो सवाल हैं. पहला सवाल मैडम श्रीवास्तव और लव अग्रवाल साहब दे सकते हैं. माइग्रेंट लेबर से जुड़ा हुआ है ये. माइग्रेंट लेबर जो सड़कों पर जा रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए वो रुक सकें, आपने कहा कि होम सेक्रेटरी ने आज चिट्ठी लिखी, क्या पहले ये फैक्टर इन नहीं किया गया था? इंश्योर करेंगे कि ये लोग सड़कों पर जाना रुकें और जो सड़कों पर चल रहे हैं अग्रवाल साहब उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? और दूसरा सवाल मेरा गंगा खेड़कर साहब से है कि जो चाइना में जहां से ये वायरस ओरिजिनेट हुआ था वहां पे कई टेस्टिंग किट्स बनी हैं और कुछ कंपनीज ने इंडिया में भी अप्रोच किया है, तो क्या हम चाइना से कुछ टेस्टिंग किट्स ले रहे हैं जो कि कह रही हैं कि 5 से 7 मिनट में शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर टेस्टिंग किट्स टेस्टिंग हो सकती है? आपने शायद मुझे बात ध्यान से सुना नहीं, पर बेसिकली इस पत्र द्वारा हमने ये रिक्वेस्ट स्टेट्स और यूटीज को रिएटरेट की है कि माइग्रेंट लेबरर्स का ध्यान दिया जाए. ये मुद्दा 2-3 दिनों से चल रहा है और बार बार इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, मीटिंग्स में और वेरियस जो हमारे ग्रुप्स हैं उन पे इस इशू पर काफी डेलिब्रेशन. अब आप अगर आज आप देखेंगे तो काफी प्लीज जस्ट एड जस्ट एग्जाम हो जाए तो क्या सरकार इस बारे में कुछ सोच रही है कि उनके लिए 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बसें चलाकर उनको अपने घर पहुंचा दिया जाए? आई थिंक लेट्स नॉट ऑल मिक्स अप दिस वन, लेट द आंसर कम. लॉकडाउन का पर्पस ये है कि जो जहां है वो वहीं रहे, सुरक्षित और सेफ रहे. तो हमारे जो रिक्वेस्ट है स्टेट्स और यूटीज को वो यही है कि जहां भी ये लेबरर्स हैं वहां पे उनके एम्प्लॉयर्स से बात करके उनके लिए जो भी सुविधाएं उन्हें चाहिए, उनको सेफ रखने के लिए जो भी उनको फैसिलिटीज चाहिए उसका इंतजाम करें, चाहे वो फूड हो चाहे वो शेल्टर हो. और स्टेट्स और यूटीज ने अब इसकी तरफ काफी कदम उठा भी रही हैं और इस समस्या को टैकल करने की कोशिश कर रही हैं. इसमें ये भी बहुत जरूरी है कि उनके फियर्स और एप्रीहेंशंस जो हैं उनको भी अले किया जाए, तो इसी उनमें अवेयरनेस भी जनरेट किया जाए जो जो उनके लिए फूड ग्रेन्स या फूड सप्लाई के लिए अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं. तो हमारा रिक्वेस्ट और हमारा निर्देश स्टेट्स और यूटीज को यही है कि वो इस पर फोकस करें. 19. जैसे कि आपने हेल्थ के विषय में कहा है और जैसे कि मेरे सीनियर कुलीग ने आपको भी बताया है कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि लॉकडाउन की स्थिति में मूवमेंट कम हो. जब मूवमेंट कम होगा तो उसके थ्रू जो हमारा एक एप्रिहेंशन होता है कि वायरस डिफरेंट जगह पर ट्रांसपोर्ट होगा वो कम होगा. तो पहले तो हम आपके थ्रू सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि किसी भी तरह के फियर में ना रहें, अननेसेसरी माइग्रेट करके इधर से उधर या वापस जाने की कोशिश ना करें. कृपया जहां पर आप हैं वहीं पर जैसे आप रूटीन में काम करते हैं वैसे रहें और साथ में इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज सारी स्टेट्स को, सारे जिले के जितने भी डीएम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, उनको ऑलरेडी जो उनकी ड्यूटीज का भी पार्ट है और साथ में उनको स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट भी की जा चुकी है कि जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं जिसमें कि अब इन लोगों को भी हम समझ सकते हैं कि जो कि हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं बिकॉज दे मे हैव सम एप्रीहेंशंस, तो उनको स्पेसिफिक ध्यान रखा जाए. अच्छा, तीसरा शायद मुझे पूछा था चाइना से टेस्ट किट 5 से 7 मिनट में होने वाले. 2-3 चीज़ें बोलूँगा. टेस्ट किट्स के लिए चाइना ही नहीं, हर जगह पे हम टेस्ट किट्स मिलाने की कोशिश कर रहे हैं. चाइना तो उसमें रहेगा ही, इसमें कोई शक नहीं. अब दूसरा सवाल यह है कि 5 और 7 मिनट में होने वाले टेस्ट आप प्रोक्योर कर रहे हैं क्या? ये जो 5 और 7 मिनट की जो आप बात कर रहे हैं वो PCR बेस्ड टेस्ट नहीं है, वो सीरोलॉजिक टेस्ट है. हम एंटीबॉडी ढूंढने की जब कोशिश करते हैं तो जल्दी हो सकते हैं. एंटीबॉडी की जो टेस्ट होती है वो हमको किसी को बीमारी हुई है क्या ये देखने के लिए एंटीबॉडी आने को टाइम लगता है. तो वो पहली ऑफर की तो टेस्ट होती नहीं, इसलिए उसका एक लिमिटेड एप्लीकेशन वो आगे चल के आएगा. लेकिन उनके किट्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं वो भी हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई सप्लायर तैयार है क्या. इस तौर पे चाइना के पास
सारे दुनिया की डिमांड ये डायग्नोस्टिक्स के लिए गई है, तो दे आर ऑल्सो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू हैव स्टॉक्स सफिशेंट इनफ टू प्रोवाइड इट टू अदर्स. सर, आयुष्मान फ्रॉम मिरर नाउ. माय क्वेश्चन इज टू मिस्टर अग्रवाल. सर, फ्यू डेज अगो यू हैड सेड अबाउट द प्रोब्स विच वी हैड ऑर्डर्ड फ्रॉम जर्मनी 1 million एंड WHO. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट सर? एंड देर आर रिपोर्ट्स ऑफ सम केसेस बीइंग डिटेक्टेड फ्रॉम द क्लस्टर्स with no travel history, how you are containing it or preventing the community outbreak out there? So as far as probe is concerned, Dr. Saab, if you can kindly respond, then I'll... Yeah, ये जो प्रोब का जो हिसाब है, मुझे लगता है आज उसमें के 5 lakh प्रोब शायद आ चुके होंगे, ऐसा मेरा अंदाज है. आज आना था. प्रोब के बारे में इतनी चिंता करना अभी हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने तकरीबन 3.4 मिलियन प्रोब्स के लिए ऑर्डर प्लेस की है, वो भी कभी तो भी सप्लाई होगी. उसमें थोड़े डिलेज हैं. जब भी अभी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, उन्होंने डेट भी बोला, समझो मैं आज 27 तारीख को देता हूँ, तो 2-3 दिन आगे पीछे का हमको कैलकुलेशन करके रहना पड़ता है. लेकिन टेस्ट कम गिरेंगे ऐसी कोई हालत नहीं है. देखिए, जैसे आपने कहा है कि कुछ जगहों पर थोड़े ज़्यादा केसेस आए हैं, कल भी मैंने इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में आइदर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिकॉशन बाय द पर्सन हु वाज एक्चुअली हु हैड ए ट्रैवल हिस्ट्री और अदरवाइज, उनके आसपास के अगर कुछ लोग इन्फेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली उस प्रांत में, उस जगह में थोड़े केसेस ज़्यादा आएंगे. और इस टाइप के केसेस को मैनेज करने के लिए देयर इज़ अ डिफाइंड प्रोटोकॉल. वो प्रोटोकॉल जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, उसके तहत हम जहां पर भी केसेस आते हैं, वी आइडेंटिफाई कि उस केसेस का कंटेनमेंट जोन कौन सा एरिया होगा. हम उसको डिटेल एनालाइज करते हैं. हमारी रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स जाती हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट की अंतर्गत काम करती हैं, वो जाके उस कंटेनमेंट जोन को डिफाइन करती हैं, बफर जोन को डिफाइन करती हैं, और उस पूरे एरिया में स्पेशल टीम्स बनाई जाती हैं. जो स्पेशल टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और हेल्थ सेटअप के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, जो जाकर उस पर्टिकुलर कंटेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्वे करती हैं. सर्वे करने के बाद अगर वहाँ पर कोई रेस्पिरेटरी इलनेस या कोई और इस टाइप के केसेस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन पर जिस टाइप का भी ट्रीटमेंट, जिस टाइप के केसेस पाए जाते हैं, उस पर एक डिटेल्ड एक्शन होता है, तो उसके तहत ही हम लोग काम करते हैं. हमारा पूरा एफर्ट हमेशा यह रहता है कि कहीं पर भी चाहे एक केस आए चाहे ज़्यादा नंबर केसेस आए, उस पर्टिकुलर एरिया में हमारे कंटेनमेंट एक्शन प्लान के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की चेयरमैनशिप में ये टीम्स ओवरऑल कोऑर्डिनेट करके उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को वहीं पर तोड़ने की कोशिश करें. WHO DG on 25th March in his press conference said lockdown itself won't be enough, and he listed 5 other measures which are required. What is the status of these measures in India? So I think it's a very important point which WHO has also raised, and friends, as I have been explaining earlier also, lockdown is one of the strategies to tackle the situation. What WHO has highlighted is they talked about aggressive measures focused on find, isolate, test, treat and trace. So this is what has been India's strategy from moment one. It is not that WHO has told now, even from January, mid-January onwards, when India started reacting to the situation, we had been focusing on doing surveillance, which is what is fine. We had been increasing our diagnostic capabilities, which is what is test. We had been focusing on isolation beds, as well as ensuring that we trace, that is contact tracing, and we had been focusing on treatment by ensuring that we have dedicated facilities as well as earmarked isolation beds and tertiary hospitals available for treatment. From India's point of view, it has been a comprehensive approach from moment one. 82. Top. Back 82. Sneha from CNN News 18. My first question is to Mr. Lav Agarwal and the second to Dr. Ganga Khedkar. Mr. Lav Agarwal, I want to ask you, have you seen any notable benefits just yet of the lockdown, or is it too early to talk about it? Because I think the sense that we got yesterday was that there's been a day-wise reduction in cases, but I think our this has like
sort of increased right now. So is that a little disappointing as well? It is not disappointing. Can just I add another similar question is there. Yesterday you mentioned about decrease in the rate of growth of COVID-19 cases. Does it still hold true as in the last night there had been over 80 cases? So let me re-explain the whole issue, which is what I mentioned yesterday also. See, we have to be continued alert. We have taken series of measures including lockdown. As you rightly said, it is too early to predict a trend. What I was trying to highlight yesterday was that if all of us understand that yes, collectively we are together in this lockdown and also follow all the required guidelines issued by Government of India and follow the protocol related with management of the disease, we definitely will win. So that is what is my intention. Let me repeat that it is important that all of us remain continued alert to the cause of COVID-19 disease, and we need to be particularly careful that any, let us say, any failure of an individual, and this is what I would like to repeat, highlight once again through you to everyone, that if one person fails, if one person does not follow the protocol or the guidelines issued by government, and if he is infectious, the whole effort done by government to that day come to a naught, becomes zero. So it is important that, and that is what we are impressing upon the state, is that since we are all dealing with infectious disease, we need collective response from everyone in the society, including every member of the government. Okay. My second question is to Dr. Ganga Khedkar. Has India managed to delay community transmission if you just do a comparison with other countries? I don't think it needs any evidence. We started way early. We also started implementation of strategies way early. And if you look at, I won't name countries, but countries, certain countries which are now mostly in news items, they started late and the whole situation is very clear. We still don't have community transmission. 35. सर मैं मधुरेंद्र न्यूज नेशन से मेरा सवाल है कि एम्स से लेकर बीएचयू से लेकर तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ओपीडीज बंद हैं क्या गवर्नमेंट ने असेस किया है कि इससे कितने लोगों की जान गई और इसका इम्पैक्ट ये भी देखा जा रहा है कि जो कम्युनिटीज में खासतौर पे क्लिनिक्स हैं या छोटे हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी अपनी ओपीडीज को बंद कर दी है वहाँ भी सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं वहाँ भी कोविड-19 का फियर है तो जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं या सीवियर पेशेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है क्योंकि ओपीडी नहीं जा रहे हैं क्या असेसमेंट है आप लोगों का इससे कितने लोगों की जान इस दौरान गई है और आगे क्या योजना है देखिए ये हमें समझना पड़ेगा कि ये डिफिकल्ट टाइम्स हैं तभी ड्रास्टिक मेजर्स भी प्रपोज किए गए हैं और उसमें सबका सपोर्ट लिया गया है साथ ही हमने अगर आप देखें हमने ये स्पेसिफिकली हाईलाइट किया कि इलेक्टिव सर्जरीज और इलेक्टिव जो प्रोसेस है उसको हमने कम किया है इसेंशियल सर्विसेज जिसमें कि हॉस्पिटल्स आते हैं वो अभी भी खुले हुए हैं उनमें कोई बंद नहीं हुआ है केवल इलेक्टिव सर्जरीज और जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं उनको बंद करने के लिए बोला गया है और साथ ही जैसे मैंने आपको भी बताया था कि पर्टिकुलरली उन केसेज में जहाँ पर कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम डॉक्टर के पास जाते थे उसमें हमें ना जाना पड़े हमें सहूलियत हो इसके लिए हमने टेलीमेडिसिन की जो गाइडलाइंस इशू की हैं उसके तहत डॉक्टर्स जो हैं अपनी सर्विसेज घर बैठे ही पेशेंट्स को दे पाएंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई हम एक ऐसी सिचुएशन में है कि जिसमें हमें किसी भी तरह का भय हो और हम ये मान के चलें कि जो प्रोसेसेस हैं अदरवाइज हॉस्पिटल से अटेंड टू देम सर आप जानते हैं कि टेलीमेडिसिन की सुविधा भारत जैसे देश में जहां 60% ऐसी आबादी है जो इसका टेलीमेडिसिन का टी तक नहीं जानती वो इस्तेमाल कर पाएगी गांव कस्बे दूर दराज इंटीरियर से आने वाले तमाम ऐसे लोग जिनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर और खासतौर पर दिल्ली तक आना पड़ता है क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना पुअर है आप बखूबी जानते हैं उनके लिए क्या स्थितियाँ हैं सर पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अगर इस देश में आप देखें तो जितना पेनिट्रेशन हमारे देश में सेलफोन्स का है उतना शायद बहुत से देशों में नहीं है तो मैं ये नहीं मानना चाहूंगा कि हमारा देश रेडी नहीं है टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए ये जरूर हो सकता है कि कुछ प्रांतों में कनेक्टिविटी इश्यूज हो तो जैसे कि मैंने फिर आपसे इससे पहले कहा है कि इसेंशियल सर्विसेज में हॉस्पिटल्स आते हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं हमारी गाइडलाइन हमारी इंस्ट्रक्शन केवल एक है कि जो हम सब लोग मिलके कोरोना का अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं शुक्रिया
सर देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां मरीजों की तादाद बढ़ी है, जिसको क्लस्टर आप बोल दें या कुछ भी बोल दें, ऐसे जगहों की क्या अलग तरीके से कुछ तैयारी की जा रही है वहां पे कैसे कोविड से लड़ा जाए, या क्या ये क्लस्टर्स बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं या रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं वहां पे, जैसे राजस्थान हो या कुछ जगहों की बात हो रही है? देखिए कुछ जगहों में जैसे मैंने इससे पहले कहा है कि कुछ एक या दो से ज्यादा नंबर में जब केसेस पाए जाते हैं तो वो हमारे लिए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन एरिया बन जाता है कि हम उस पर एडिशनल फोकस करें। तो कुछ प्रांतों में तो हमने अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेशल टीम्स भी स्टेट को एडिशनल सपोर्ट के लिए भेजी। इसके साथ ही जैसे ही कहीं पर हमें लगता है कि ज्यादा केसेस किसी प्रांत से आ रहे हैं तो वहां पर हम उसी समय स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरी से बात कर उनसे डिस्कस करते हैं कि कैसे उनको प्लानिंग करनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जो ओरिएंटेशन है इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज हमें क्या करना है, ये हम आज से नहीं, पिछले दो महीने से हम स्टेट के साथ रेगुलर टच में कोऑर्डिनेट करते उनको ओरिएंट करते हुए आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से एक्शन इनिशिएट किया जाता है। हमारे लिए डेफिनेटली चैलेंज बढ़ जाता है जहां पर थोड़े केसेस ज्यादा आते हैं, और उसी चैलेंज के हिसाब से हमारी नंबर ऑफ टीम्स जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए बढ़ जाती है। 38 51 So hospitals and nursing homes which are part of the CGHS scheme, they have issued a SOS to the government saying that their outstandings are close to 1600 crores, and since the footfall has now become very less, it will be difficult for them to survive lest the government issues a part of this money which is pending. So I probably would not be able to explain in terms of if there are any pending payments to particular organization or set of organization, but I can only assure you one thing, that you know this is the time when collectively all of us come together and manage the situation, and as per the feedback available to me, I feel that you know we are overwhelmed by the response by everyone in terms of the support they have given, be it government as well as the private sector initiatives to support government efforts toward managing COVID. Now the last question online, this is from Arunma, CNN. One of the viewers in quarantine asked today, if the seal which stamps home quarantine on his hand can infect him, since same seal is used for multiple people. Can the seal infect? That is part one. Part two is, what is the precaution being taken by authorities who are stamping in home quarantine? देखिए इसमें इसको दो तरीके समझिए कि अगर कोई भी person during our verification, during our thermal screening, if we find that person actually symptomatic, he will straight away be taken to the hospital for treatment and sampling as per the norms. ये केवल वो cases हैं जो कि जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, जिनको हमने मेडिकल स्क्रीनिंग में हाई रिस्क नहीं पाया, क्योंकि अगर हम उसको हाई रिस्क पाते तो हम उसको फैसिलिटी क्वारंटाइन में ले जाते हैं, और अगर हाई रिस्क नहीं है तो हमने एज पर प्रोटोकॉल उनको सजेस्ट किया है कि वो जो है होम क्वारंटाइन में रहें। तो अगर उसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो बैक ऑफ द हैंड में लगाया जाता है, तो मैं नहीं समझता कि उससे किसी टाइप की हानि है। This is the latest word now that has come in on the daily briefing that we have from the health secretary here. 75 new cases have been reported, positive cases in the past 24 hours. So in totality, we're looking at 724 total positive cases in the country, with the total number of, unfortunately, the number of deaths has gone up. We're looking at 17 deaths right now. Other precautionary measures that are being taken by the government, questions that were asked on cluster cases, that has been contained. There is no proof of cluster cases being reported or the spread. Test kits are being procured as well to increase testing across the country as well. We're slipping into a very tiny breather. Please stay on with us.